अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे अजीज भिरामों, मेरे दोस्तों, खैर खरीयत नाल ही वे, ठीक ठाक ही वे। उम्मीद है खैर खरीयत नाल हो सो, ठीक ठाक हो सो। अल्लाह पाक तुहाकू सलामत रखे, अल्लाह पाक तुहाकू अपने हिफ्ज़ो अमान ही रखे। दोस्तों, आज दी इस वीडियो दे विच सारा मौजू है जिंदगी दे विच कामयाबी दी पहली सीढ़ी। डॉक्टर इशफाक अहमद साहब बहु मशहूर प्रोफेसर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच लैक्चरार रहन, काफ़ी सारे किताबों के मुसन्निफ हैं। ते भाइयों दोस्तों, उन्हां दी मुलाकात एक बजुर्ग नाल थई आई। ते एक बजुर्ग उन्हां को नसीहत की आई, उन्हां को आखा आई कि कामयाबी दी पहली जिहड़ी सीढ़ी है वो मालूम है कि है। डॉक्टर इशफाक अहमद साहब इनकार किया, उन्हें आखा जी मेरे को नहीं मालूम कि कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है। कामयाबी दी काफ़ी वजूहात होंगे, काफ़ी सारे मरहल होंगे, लेकिन पहली सीढ़ी मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने बजुर्गों जवाब दिता आई कि इंसान की कामयाबी की पहली सीढ़ी ये है कि इंसान अपने रिज़्क को, अपनी कामयाबी को, अपनी सलाहियतों को धो के इस्तेमाल करे, धो के खावे। चटट साहब मशहूर प्रोफेसर हैं, जहीन आदमी हैं, वो इस गल को समझ गए। मेरे दोस्तों मफहूम ये है, धो के खावन का, धो के इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक इंसान को जड़ी भी कामयाबी अदा करें, जड़ी भी सलाहियत अदा करें, तो उस सलाहियत को, उस कामयाबी को मैं आस पास के मुआशरे के लोगों के नाल शेयर करना शुरू कर देवे, मिल बांट के खावना तो इस्तेमाल करना शुरू कर देवे। मतलब ये है, गल मुख्तसर करूँ ताकि इजीली आसानी नाल सारे दोस्तों को समझाया वे। गल मुख्तसर ये कि अगर तुसा कोई वड्डे अफसर बन वेंदे वे, कामयाब थी वेंदे वे, तो तुहाड़ी कामयाबी या तुसा अफसर बन के अपनी उहदे दा जायज इस्तेमाल करेंदे होए अपने सारे आस पास तालुकात वाले भाइयों को फायदा पहुँचाओ, अपने अजीजों को फायदा पहुँचाओ, ये तुहाड़ी कामयाबी की एक सही अलामत है और कामयाबी बरकत पावन की एक पहली सीढ़ी आ गई, या कामयाबी के बरकत पावन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत होती है कि तुसा अपनी कामयाबी बै लोगों के नाल शेयर करके। इस तरह तुहाड़ी कोई सलाहियत है, तुसा अच्छे राइटर ही वे, तुसा अच्छे कोई काबिल हुनरमंद ही वे, तुहाकू अपने कोई भी हुनर होवे उसदे विच अबूर हासिल है, तो बल तुसा अपना हुनर, तुसा अपनी सलाहियत अपने आस पास के दोस्तों के विच, इंसानों के विच वंडना शुरू कर दो, तो वह अल्लाह पाक तुहाड़े सलाहियत विच, तुहाड़ी हुनर विच बरकत पावनी अदा करदे सी। क्योंकि लोगों को जिवें फायदा पहुँचता वे सी, तो उस फायदे की निस्बत अल्लाह पाक तुहाड़े उत्ते उतना करम की वे। वो डॉक्टर साहब ने अपनी किताब के विच हवाला दिता है कामयाबी की पहली कुंजी का, तो उहदे विच यही है कि मिल बांट के खाना पीना, मतलब कि आपस में मिल जुल के कोई भी सलाहियत, कामयाबी, दौलत, हुनर, इसको मिल जुल के इस्तेमाल करना, खावना, वंडना, यही कामयाबी है। केड़ा इंसान मुआशरे दे विच या दुनिया दे विच किथाई भी नज़र तुरा गए, केड़ा इंसान आज बुलंदियाँ छूंदा पी है, कामयाबी और कामरानी उदा मुकद्दर बन चुकी है, तो उदा माजी तुसा जिस टाइम देख सो, उसे माजी के उ रोशनी पैसो, तो माजी उदा इवें ही निकल सी कि वह अपनी तबीयत दे विच मिल बांट के खावन पीवन और मिल बांट के रहवन का आदि हो सी, उसकी आदत विच मिल बांट के खावन पीवन और मिल बांट के कोई चीज़ इस्तेमाल करन लाजमी हो सी, उस बंदे का दिल मिल बांट के रहवन विच रहवन विच पसंदीदा हो सी, वो इस यही चीज़ हो सी और यही चीज़ उसकी मुकद्दर की तब्दीली की वजह बन सी, और यही चीज़ उसको कामयाबी, कामरानी और अजीम मकाम अदा करे। टाइम ज़रा मुख्तसर है, मगर
हो गई है, नमाज का भी टाइम है, तो एक अच्छा पैगाम आई जहन दे विच आया, तो मैं आके अपने दोस्तों को शेयर करूँ, वीडियो बना के नूं और मुलाकात भी कर के नूं। दुआवां दे विच याद रखे सो, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।